बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की। इस योजना से जुड़े एक पोर्टल का भी लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने बिहार लघु उद्यमी योजना पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया। वहीं इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। हम लोगों ने जाति आधारित गणना करवाई ताकि जाति के साथ साथ हर किसी की आर्थिक स्थिति का भी पता चल सके। सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि 94 लाख से अधिक गरीब परिवार हैं, जिनको आर्थिक मदद की जरूरत है। हम लोग ऐसे सभी परिवार के लाभुकों को 2-2 लाख रुपया सहायता राशि देंगे ताकि वो लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इसकी ट्रेनिंग भी अलग से दी जाएगी। आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य है। सुनिए सीएम नीतीश कुमार ने आगे क्या कुछ कहा। नहीं देखिए, आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, ये काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों की बात हम सुन लिए, लेकिन आप जानते ही हैं कि जाति आधारित गणना के सिलसिले में हम लोगों ने, आप तो अभी बोल ही रहे हैं, तो जो भी हर आदमी की आर्थिक स्थिति का भी हम लोगों ने उसका सर्वेक्षण करवाया और उसमें 94 लाख परिवार ऐसा निकला है जो गरीब है, तो उन्हीं के लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग उनको मदद करेंगे और उनके परिवार के में हम 2 लाख रुपया देंगे, जो भी उसको करना चाहें। और उसी के लिए आप लोगों ने इसके लिए लघु उद्यमी योजना शुरू की है, ताकि लघु उद्यमी योजना का जो लाभ लेना चाहें वो ले सकते हैं। और फिर उनको ट्रेनिंग के लिए भी अलग से करिएगा और फिर उनसे मांगिएगा, तो हम ये कहेंगे कि आप जितना कुछ बोल दिए हैं, लेकिन हम एक ही बात आपसे ये अनुरोध करेंगे और सब लोगों से, जब समूचे जिले के लोग हैं, कि भाई आप सब लोगों को तो मालूम हो गया है ना कि अब हर जाति के, चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब, हिंदू मुस्लिम, सब मुस्लिम, सब तरह के लोग जो हैं, जो विभिन्न जाति में, सब लोगों का निकल गया है, तो आप अपनी तरफ से सब जानते ही हैं, तो उन लोगों के बीच में भी इन सब चीजों को कह दीजिए। और चूंकि इसके लिए जितना पैसा लगता है, तो उसके चलते तो हम लोगों को इतना लगेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने किया कि 5 टर्म में हम लोग करेंगे। तो पहला टर्म 5 साल लगेगा, तब पहला टर्म शुरू कर रहे हैं, तो इसीलिए देख लीजिए। और जो लोग भी इसके लिए तैयार हों, वो हों, तो एक तो अपनी तरफ से हम लोग ये करेंगे, और इसके अलावे कोई लघु उद्यमी योजना का नहीं करके अपनी तरफ से कोई कुछ करना चाहेंगे तो उनको भी मदद करना चाहिए। एक तो लघु उद्यमी योजना आप करके लोग, तो लघु उद्यमी योजना में नहीं कोई जाके कोई और काम करना चाहे तो उनको भी मदद करनी चाहिए, तो वो भी ध्यान दीजिएगा, यही हम आप सब लोगों को कहेंगे। और बाकी जो आप लोग कर रहे हैं सब ठीक है, आप पूरे तौर पर ध्यान दीजिए, सबको मदद मिल जाए अच्छा रहेगा, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाए, तो ये हम लोग चाहते हैं, तो इसलिए इतना ही आपको कहना था। बाकी बताइए जो भी करना है। दरअसल बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत हर घर उद्यमी हर घर रोजगार ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार थीम के साथ की गई है। आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने और राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गई है। जाति आधारित गणना के दौरान 94 लाख से अधिक गरीब परिवार पाए गए। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत ऐसे गरीब परिवार में लाभुकों को 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना के लिए आवेदन के पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। इसके लिए 61 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है, जिसमें छोटे छोटे उद्यम को शामिल किया गया है। ये पोर्टल आवेदकों के लिए खोल दिया गया है। 20 फरवरी तक इस योजना के लिए आवेदन किए जाएंगे। आवेदक की उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक की पारिवारिक आय प्रतिमाह 6,000 रुपए से कम होनी चाहिए। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को 3 किस्तों में राशि दी जाएगी।